أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم سورة القمر ختم हुई थी और आज इंशाअल्लाह सबक शुरू हो रहा है सूरतुर रहमान से। इन दो सूरतों का आपस में रब्त क्या है और ख़ुलासा है सूरे रहमान क्या है, देखें दोस्तों। रब्त सूरे रहमान बिल कमर, नंबर एक पहली सूरत में था कि खालिक और कारसाज सिर्फ अल्लाह ताला है। अब फरमाया कि बरकात दोहिंदा, दोहिंदा के माने देने वाला भी सिर्फ वही है। ये दावा आखिरी सूरत में है, आखिर सूरत में है, तबारक स्म रब्बी का ज़िल जलाल वल इकराम। नंबर दो, सूरत साबिका में ज़्यादातर मज़मून निकम का था, निकम समझते अजाब के बयान, अब इसमें ज़्यादा मज़मून निअम का है। निअम किसको कहते हैं? नेमतों का बयान। खुलासा सूरह रहमान, नंबर एक बयान नियम, नंबर दो छः दलाइल अक्लिया बराए इस बात दावा, नंबर तीन दूसरे रुकू में मुनकरीन के लिए तख्वीफ, नंबर चार तीसरे रुकू में बशारत बराए मुत्तकीन। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानु अल्लमल कुरान। रहमान वो ज़ात है, रहमान के नीचे लिखे मुब्तदा, तरकीब में ये मुब्तदा बनेगा। रहमान वो ज़ात है, अल्लमल कुरान, एक तो इसके नीचे लिखे बयान नियम, दूसरा इसके नीचे लिखे खबर, और इस अल कुरान के नीचे लिखे नेमत नंबर एक। यहाँ से नेमतों का बयान शुरू हो रहा है। अल्लाह पाक ने इस इंसान को जो जो नेमतें दी है वो यहाँ से शुरू हो रही है दोस्तों। रहमान वो ज़ात है, अल्लमल कुरान, जिसने कुरान करीम सिखाया, जिसने कुरान सिखाया। देखें कुरान रूहानी नेमत है, कौन सी नेमत है? रूहानी। और अल्लाह पाक ने जब नेमतों का बयान शुरू किया तो सबसे पहली अव्वल नंबर की जो नेमत ज़िक्र की वो थी कुरान की तालीम। मालूम हुआ कि अल्लाह पाक के नेमत के ख़जानों की सबसे आला व अरफा नेमत वो कुरान है। तो भाई कितने खुश नसीब हैं आप हजरात और वो तमाम लोग जो अल्लाह पाक के कुरान के सामने बैठते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। आप हजरात का छुट्टियों के इन अय्याम में ये कुर्बानी देना और यहाँ आना और आराम को तर्क करना, ये तो आज तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और तलबा इन चीज़ों से दूर भागते हैं, यार ये थोड़े से दिन है ज़रा आराम कर लें तो, लेकिन बाद में फिर अंदाज़ा होता है। तो ये बहुत बड़ी और बहुत अजीम नेमत है, मामूली नेमत नहीं है। तो अल्लाह पाक हम सबको इसकी कदरदानी नसीब फरमाए। तो रहमान वो ज़ात है जिसने कुरान सिखाया। खलकल इंसान लिखे नेमत नंबर दो, इंसान से बात कर ले क्या कह रहे। खलकल इंसान नेमत नंबर दो, उसने इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान नेमत नंबर तीन, और उसे ताकत दी गोयाई की, उसे सिखाई कुव्वत गोयाई, बयान बोलने का मलका उसको सिखाया। अश्शम्स वल कमरु बिहुस्बान नेमत नंबर चार, सूरज और चांद बेहुस्बान, इससे पहले फ़ेल निकाले यजरियानी, सूरज और चांद दोनों चल रहे हैं एक हिसाब से, एक हिसाब से चल रहे हैं। व नजमो व शजरु यस्जुदान नेमत नंबर पाँच, नजम का मशहूर तर्जुमा तो चांद है लेकिन यहाँ इससे मुराद है पत्ते और बूटियाँ, पत्ते और कहते हैं ना पत्ते बूटे, ये जो पत्ते होते हैं, तो पत्ते बूटे और व शजरों और दरख्त,
तो पत्ते बूटे और दरख्त यसजुदा ने वो भी सिजदरेज है। यसजुदान का तर्जुमा है मुतीए हुक्म, हुक्म को मानने में लगे हुए, मुतीए हुक्म है। और यसजुदान के नीचे लिखे सिजदे तकवीनी, सिजदे तकवीनी। वस्समा रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, देखिए नेमत नंबर छः, और आसमान को उस ज़ात ने बुलंद किया। ववज़अल मीज़ान नेमत नंबर सात, और मीज़ान अदल को रख दिया। वज़अ के माने रख देना, अल मीज़ान मीज़ान अदल तराजू। तो मीज़ान अदल को अल्लाह ने रख दिया। अल्लाह तत्गौ फिल मीज़ान, कि तुम कमी बेशी मत करो, फिल मीज़ाने तोलने में, तोलने में कमी बेशी मत करो। वाकीमुल वज़्न बिलक़िस्ते, और वज़न को पूरा करो बिलक़िस्ते इंसाफ के साथ। वला तुख़सिरुल मीज़ान, और तोलने में कमी मत करो। वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम, नेमत नंबर आठ, ज़मीन को अल्लाह ने बिछा दिया लिल अनाम मखलूक के लिए। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख्लु ज़ातुल अकमाम, उसमें फल हैं और खजूरें हैं। ज़ातुल अकमाम गिलाफ़ों वाली, खजूर का जो फल होता है इसके ऊपर इसका एक लिबास होता है, गिलाफ होता है इसका, जिसमें एक खजूरें छुप जाती है। बात समझ गए? तो आपने देखा होगा दुनिया में जो कीमती चीज़ें होती हैं ना, उसको किसी शॉपर में किसी बॉक्स में पैक कर देते हैं। अल्लाह पाक अपने बंदों का इतना इकराम करते हैं कि जो अच्छा उम्दा फल था उसको भी ऐसे खुला करके नहीं दिया, उसको भी गिलाफ में बंद कर दिया। वलहब्बु ज़ुल असफ़, और गल्ला भूसे वाला, हब कहते हैं गल्ले को, ज़ुल असफ़ भूसे वाला, यानी इंसान जब अनाज निकालता है तो अल्लाह की शान जो साफ दाना होता है वो इसके इस्तेमाल में, बाकी भूसा बन के जानवरों के इस्तेमाल में। वर्रैहान, और खुशबूदार फूल भी, खुशबूदार, ये सब अल्लाह की नेमत है। फ़बियय आलाय रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों, कुमा की ज़मीर इंसान और जिन की तरफ है दोस्तों, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को तुकज़्ज़िबाने, झुटलाते रहोगे, झुटलाते रहोगे। हाशिए पर लिखे ये आयत तफ़रीया है। ये आयत क्या है? जो इस सूरत में 31 बार आती है। कितनी मरतबा? 31। तो जब भी ये आयत आए तो इसका जवाब ये दिया जाए, ला बिशै इम मिन निअमिका नुकद्दिबु, ला बिशै इम मिन निअमिका नुकद्दिबु फलकल हमदु, फलकल हमदो, ये इसका जवाब होगा। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फ़खार, दलील अकली नंबर एक, पैदा किया उसने इंसान को मिन सलसालिन, बजने वाली मिट्टी से, बजने वाली मिट्टी है, खुश्क जब हो जाती है ना उस पर आप पैर रखें तो आवाज़ सी आ जाती है। कल फ़खार जैसे कि ठीकरी, ठीकरी जब मिट्टी में गारा बन जाए मिट्टी, फिर खुश्क हो जाए तो जो पत्थर बनता है उसको ठीकरी कहते हैं, ठीकरी, समझ गए। वखलकल जानना, और पैदा किया जिनों के बाप को, जान से मुराद है अबुल जिन, समझ गए दोस्तों, और जिनों के बाप को पैदा किया। जिस तरह देखिए ना, आदम अलैहिस्सलाम इंसान अव्वल है, इसी तरह जो जिन्हें अव्वल है वो उसको जान कहते हैं। क्या कहते हैं? जान कहते हैं। और पैदा किया जिन्हों के बाप को मिन मारिज मिन नार, आग के शोले से। फ़बिअय्यि आलाय रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, दलील अक्ली नंबर दो, वो रब है दोनों मशरिकों का भी और दोनों मग़रिबों का भी। मशरिक और मग़रिब तो दो नहीं हैं, एक एक है, ये बात पहले भी आ गई है, लेकिन इसको तस्निया से ताबीर किया बाएतबार मौसम के, किसके? मौसम के। चूँकि सर्दी के अंदर दिन मुख्तसर है,
और गर्मियों में दिन लंबा है। फर्क आ जाता है सूरज की चाल में, सफर में फर्क आ जाता है। तो मौसम का लिहाज करते हुए फरमाया कि दोनों मशरिकों का रब भी वो है, दोनों मगरिबों का रब भी वो है। तो अगर अभी इम्तिहान में सवाल आए कि भाई मशरिकैन और मगरिबैन कैसे फरमाया, आप कहेंगे बाएतबार मौसम। बस आप एक इतना सा जवाब देंगे ना तो आपको इसके 10 नंबर मिल जाएंगे, है ना? ख्याल करें। فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ دلیل عقلی نمبر 3، اس نے بہا دیے دونوں دریا، دو دریا بہا دیے، یلتقیان، جو آپس میں مل جاتے ہیں، جو آپس میں دو دریا، دو دریا تو جانا ہوا ہوگا نا، مشہور نہیں ہے کراچی میں دو دریا، لوگ ہوٹلنگ کرنے آج کل وہاں جاتے ہیں، بھئی دو دریا جا رہے ہیں، کولاچی جا رہے ہیں، کباب جیز جا رہے ہیں وہاں پہ، تو دو دریا اللہ نے بہا دیے، یلتقیان، جو آپس میں مل جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو دریاؤں کا نظام چلایا ہے اس میں پانیوں کا رنگ الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، خواص الگ ہے، کہیں نہ کہیں جا کر یہ پانی آپس میں ٹکرا جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ اب پانی تو ایک سیال چیز ہے نا، لکوڈ چیز ہے، جب دو لکوڈ چیزیں آپس میں ملے تو ایک نہ ایک اثر انداز دوسرے پہ ہو جاتا ہے، جیسے دودھ میں پانی ملائے یا پانی میں دودھ ملاتے، دودھ میں پانی ملائے تو بہر صورت وہ رنگ سفید ہی رہنا ہے، ہے یا نہیں؟ دودھ میں جتنا بھی پانی ملا دے رنگ پہ فرق نہیں پڑے گا، اس لیے وہ لکھتے ہیں بھائی 100% خالص دودھ ہے، اس لیے کہ رنگ وہی ہے، تو جھوٹا نہیں ہے وہ۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ دو طرح کا پانی ہے اور وہ مل جاتا ہے آپس میں، لیکن دونوں اپنے اپنے رنگ کے ساتھ، ترس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک دوسرے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور ایسے مقامات دنیا میں کئی جگہوں پر ہے کہ جس میں دو دریا آپس میں مل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی آپ جب جو ہے وہ اللہ بھلا کرے، صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کی جو سرحد ہے، اٹک کا جو پل ہے، اس پہ اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو یہاں نیچے دو دریا آپس میں مل رہے ہیں، ہے نا؟ دو دریا، دریائے کابل اور دریائے سن آپس میں مل جاتے ہیں یہاں پہ، تو لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں۔ آپ نے اگر دیکھا ہو، دیکھنا ضرور چاہیے، اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے۔ دونوں کا بالکل الگ الگ رنگ ہے، ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک کا رنگ الگ ہے، دوسرے کا الگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی چھٹیاں ہوگی تو ضرور جائیے گا۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے بیچ میں ایک پردہ ہے، برزخ کہتے ہیں رکاوٹ کو، ان کے بیچ میں ایک پردہ ہے، لا یبغیان، ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تجاوز نہیں کر سکتے ایک دوسرے پر۔ فبئی آلائی ربکما تکذبان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، منہما کے نیچے لکھے من مجموعہما، ان دونوں دریاؤں سے یعنی ان کے مجموعے سے نکلتے ہیں موتیاں، والمرجان، اور مونگے۔ مرجان ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو موتیاں اور مونگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ، دلیل عقلی نمبر 4، اور اسی کے حکم کی تابع ہے، لہو، الجوار، وہ کشتیاں، المنشآت، جو بلند و بالا ہے۔ لیکن اب بڑے بڑے جہاز پانی میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ کس کے حکم کے تابع ہے؟ اللہ کے۔ اسی کے حکم کے تابع ہے، الجوار، کشتیاں بھی، جہاز بھی، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ المنشآت، جو بلند ہے، فی البحر، سمندر میں، کل اعلام، جیسے کہ پہاڑ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، لکھیں دلیل عقلی نمبر 5، کل من علیہا، جو بھی اس پر ہے، اس زمین پر ہے، فانن، فانن کے نیچے لکھے محل فنا میں ہے، جو بھی اس زمین میں ہے وہ کیا ہے؟ محل فنا میں، اس لیے کہ ہم لوگ ابھی ہیں نا، ابھی تو فنا نہیں ہوئے، گزرے ہوئے جو تھے وہ فنا ہو گئے،
हम भी एक वक्त आएगा फना होंगे, लेकिन हर इंसान महल्ले फना मकान फना में घूम रहा है, किसी भी वक्त जा सकता है, समझ गए। तो मन अलैहा हो गई बात, समझ गए। अब इससे एक इश्काल जहन में आ सकता था कि इसका मतलब हुआ कि जमीन की मखलूकात तो फना में है, महल्ले फना में, तो भाई आसमान में भी तो बहुत फरिश्ते हैं, परिंदे हैं, वो नहीं, उन पे फना नहीं आएगी। तो कुरान करीम में कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, दूसरी जगह है ना, हर चीज पर मौत आनी है सिवाय अल्लाह की जात के। तो कुल्लु शैइन से जमीन के साथ साथ आसमान की मखलूकात भी शामिल हो जाएंगे, समझ गए। तो फिर इश्काल नहीं, कुल्लु मन अलैहा, जो भी जमीन पर है फानिन महल्ले फना में है, वयबका वजहु रब्बिका, बाकी रहने वाली है आपके रब की जात, जुल जलाल, जो अजमत वाली है, अल इकराम, एहसान वाली है। फबियय आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज, दलील अक्ली नंबर 6, उसी से मांगते हैं जो भी आसमानों में है और जो भी जमीन में, उसी के सामने साइल है। कुल्लु यौमिन हुवा फी शान, हर दिन उस जात की एक नई शान है, एक नई शान है। अल्लाह की कुदरत का हर लम्हा अलग इजहार है, अलग अंदाज है। तो हर दिन अल्लाह पाक की एक नई शान है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान, सनफ़रुगु लकुम, लेके तमहीद बराए तख़वीफ, अल्लाह पाक फरमाते हैं हम अनकरीब फारिग हो रहे हैं। फारिग होने से मुराद लिखे तैयारी करना, क्या करना, लकुम के नीचे लिखे ले हिसाबिकुम, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारे हिसाब किताब के लिए। अय्युहस सकलान, ए जिन्नो इंस, ए जिन्नो इंस, तुम्हारे हिसाब किताब की तैयारी हो रही है, बात समझ गए। अब यहां बात समझे कि नफरों के माने फारिग होना, तो इससे कोई ये समझे कि कोई फारिग तो वो हो जो पहले मसरूफ था, तो अल्लाह की ज़ात के लिए तो फरागत और मसरूफियत ये चीज़ें कोई हैसियत नहीं रखती, अल्लाह इन चीज़ों से पाक है। तैयारी करना उस इंसान के लिए होता है जिसके पास पहले तैयारी ना हो, अल्लाह की ज़ात कामिल व मुकम्मल है। लेकिन क़ुरान की ताबीरात इंसान की सोच के मुताबिक होती है। देखे ना, हमें पता है कि आगे चलकर इम्तिहान होना है, दौरे तफसीर का इम्तिहान है ना, या नहीं है, ख्याल करें, लेकिन कोई खौफ नहीं। लेकिन अभी आप निकलेंगे बाहर, नोटिस बोर्ड पे लिखा होगा कि भाई 4 मार्च बरोज़ मंगल सुबह 11 बजे दौरे तफसीर के तलबा का इम्तिहान होगा, और मुल्क के नामवर मुफस्सिर हज़रत फलां साहब इम्तिहान लेने आएंगे। तो अभी कोई बोझ नहीं है आप लोगों को, लेकिन उसको देखने के बाद क्या होगा, एक बोझ आ जाएगा। इंसान की, इंसान का मिजाज ये है, आने वाली चीज़ से खौफ नहीं रखता, लेकिन जब उसका ऐलान हो जाए ना कि भाई ये वक्त है, अब बोझ शुरू हो जाएगा। तो हम कहाँ क़यामत से डरते हैं, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मत डरो, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अपने आप को, ताकि ये इंसान तैयार हो जाए उसके लिए, खौफजदा हो जाए, समझ गए। फबियय आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, या माशर अल जिन्न वल इंस, ए जिन्न व इंस की जमातों, माशर कहते हैं जमात को, इसके नीचे लिखे इजज इंदल हिसाब, इजज इंदल, जब हिसाब किताब होगा तो ये इंसान और जिन्नात किस कदर आजिज़ होंगे अल्लाह के सामने। ए जिन्न व इंस की जमातों, इन इस्तताअतुम अन तन्फुज़ू, अगर तुम्हारे बस में हो कि तुम निकल जाओ आसमान व ज़मीन के किनारों से, अख्तार किनारों से,
इन इस्तता तुम, अगर तुम्हारे बस में हो, अंतन फुजू के तुम निकल जाओ, मिन अख्तार समावात वल अर्ज, आसमानों ज़मीन के किनारों से, फन फुजू तो तुम निकल जाओ, ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान, तुम नहीं निकल सकते इल्ला बिसुल्तान इन मगर किसके साथ, यहाँ लिखा है सनत के साथ। सुल्तान कहते हैं गलबे को, ताकत को, तुम नहीं निकल सकते हो मगर किसके साथ, गलबे के साथ, आसमानों ज़मीन के किनारे, इसलिए कि हिसाब किताब तो इसके माबैन होना है। अब जो ये चाहता है मैं इससे बच जाऊं, मेरा हिसाब ना हो, तो उसको चाहिए कि कोई कोना तलाश करके या तो आसमान के कोनों से कहीं ऊपर चला जाए या ज़मीन के कोने से कहीं नीचे स्लिप हो जाए, चला जाए, बच जाएगा। तो देखिए, एक जुमले ने मसला हल किया, इज्ज इंदल हिसाब। ये जो अल्लाह पाक फरमा रहे ना कि अगर तुम्हारे पास गलबा है, कोई सनद और दलील है, तो फिर तुम लोग निकल जाना। क्या इससे ये तासर और जहन बनना चाहिए कि अगर कोई ये दलील और गलबा ले आया तो वो बच जाएगा? बात समझ गए? ये एक इश्काल है। आप हैरान होंगे, भी आज से तकरीबन बात होगी कोई 11-12 साल पहले की, हमारी तदरीस का दूसरा साल था उस वक्त, ये आखिर के 10 पारे तफसीर के मुझे मिले थे, मैं पढ़ा रहा, हिम्मत भी थी, शौक़ भी था, तलबा भी आप हजरत जैसे अच्छे, आप लोग तो खैर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, वो जमात तलबा की बहुत ही बाज़ौक थी, तो फिर जाहिर सी बात है दिल भी करता है कि इंसान तैयारी करे, तो एक एक दिन के सबक के लिए हम 5-5, 6-6 तफसीरें देखते थे, तैयारी करते थे। जब सूरह रहमान आई ना इस जगह पर, तफसीर माजिदी है हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी की, बहुत बेहतरीन तफसीर है, उसमें हज़रत ने इस पर बहस की और उन्होंने पूरा ख़ुलासा उसका ये निकाला कि ये अल्लाह पाक अपने बंदों के आजिज़ होने को बयान करना चाहते हैं और उसके लिए ये ताबीर इस्तेमाल की है कि जैसे एक इंसान को कमरे में बंद कर दें और ताला लगा दें, सब चीज़ें बंद हो, और फिर उससे कहा जाए कि भाई अगर तुम्हें खाना खाना है तो आके बावर्ची खाने में पेट भर लो, हमने तो मना नहीं किया, बस निकलना तुम्हारा काम है, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो आप बताइए, इसके इसको इसके आजिज़ होने का इजहार करना है ना इसके सामने। तो उन्होंने लिखा कि चूँकि अल्लाह पाक क़्यामत के दिन इस बंदे का आजिज़ इसको समझाना चाहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, तो उसके लिए इससे कहा कि अगर तुम्हें हिसाब किताब से बचना है, रास्ता हम बता देते हैं, या तो आसमान के किनारों से कोई रास्ता ढूंढ लो, या और इसके लिए तुम्हें एक गलबा और ताकत चाहिए, वो होगा तो निकल जाना, लेकिन वो गलबा किसी के पास होगा नहीं। तो अल्लाह ने इस बंदे को इसका एजज़ बताया। मैं आप हजरात से अभी ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे उन अकाबिर ने बड़ी मेहनतों के साथ तफसील लिखी, तफसीर माजदी में भी है और मारिफुल कुरान, तफसीर उस्मानी में, तफसीर हक्कानी में, सब में, लेकिन कमाल है जब इस अंदाज में हमने तफसीर पढ़ी ना हज़रत नौमानी साहब से, तो वो इतनी बड़ी तफसीला 3 अल्फाज में ख़त्म, एजज इंदल हिसाब। बात समझ गए? इसलिए बहुत सारे लोग पूछते हैं आपसे भी, तलबा और आपके साथी कहेंगे यार ये क्या फ़ायदा है दौरे तफसीर का, जब आप लोगों ने 10 पारे इस साल पढ़े, उस साल पढ़े, इस साल पढ़े, तो हिम्मत तोड़ने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं इस दुनिया में ना, इस क्या फ़ायदा है इस चीज़ का, तो आप खुद समझ जाएंगे कि कितना आसान तरीके से कुरान पाक हल हो जाता है। ये जो उनवानात और महजूफात निकाले जाते हैं ना, ये बड़े बड़े इश्कालात का हल होता है। बात समझ गए? फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन्नार, लिखे तख़वीफ़ उख़रवी व इज्ज़ इंदल इक़ाब, वो बरसाएगा तुम पर, भेजेगा तुम पर शुवाज़ुन, लिखे शुले, मिन्नारिन आग के शोले, व नुहासुन और धुआं,
फला तंतसिरान, फिर तुम आपस में एक दूसरे की मदद नहीं कर सकोगे। शुवाज और नुहास में क्या फ़र्क है? आपने लिखा होगा नीचे, शुवाज के नीचे साफ शोले। एक आग का शोला वो होता है कि जो शोला लपकता है उसमें धुआं नजर नहीं आएगा, साफ शोला होगा बिल्कुल आग। एक आग का शोला वो होता है कि आग भी है और दूर से धुआं भी नजर आ रहा है, समझ गए? ये फर्क है। तो एक है साफ शोला, एक है धुआंदार शोला। फवियय आला रब्बिकुमा तुकज़िबान, फैज़न शक्क़तिस समाउ, लिखे ज़माने हिसाब। हिसाब होगा कब? जब आसमान फट जाएगा। फकानत वर्दतन, तो वो हो जाएगा वर्दतन, गुलाबी रंग का। किस रंग का? गुलाबी या सुर्ख भी। कद देहान, जैसे के रंगा हुआ चमड़ा। रंगा हुआ चमड़े को रंगते हैं ना, जैसे कपड़ों का रंग देखा है ना आप लोगों ने, कपड़ों को रंगने वाले लोग होते हैं, इसी तरह चमड़े को की रंगसाजी होती है दोस्तों, ठीक है? चमड़े को जब सुर्ख रंग दिया जाता है, गौर से सुने, ये बिल्कुल लाल चमकदार होता है, लेकिन मुरूर ज़माना, वक्त के गुजरने के साथ साथ क्या होता है, इसकी वो सुर्खी मंद पड़ती है, हल्की होना शुरू हो जाती है। कुछ वक्त के बाद वो सुर्खी हल्की होकर ऐसा महसूस होता है जैसे कि गुलाबी सी हो गई, हालांकि वो उसका असल रंग नहीं है, लेकिन धूप ने, हालात ने, वक्त के गुजरने ने, अदम ख्याल ने उसको इस तरह कर दिया। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, ये आसमान ऐसा हो जाएगा जैसे कि रंगे हुए चमड़े की सुर्खी होती है, गुलाबी सा, समझ गए? फबियय आला रब्बिकुमा तुकज़िबान, फयौमइज़िन ला युसअल, लिखे कैफियत हिसाब। उस दिन नहीं पूछा जाएगा, ला युसअलु के नीचे लिखे ले तहकीकिन बल ले तौबीखिन। देखें कितना बड़ा मसला हल किया। उस दिन सवाल नहीं किया जाएगा किसी से, अनजम भी ही, उसके गुनाह के बारे में, इंसु वला जान, न इंसान से और न जिन्नात से, उनसे कोई सवाल नहीं होगा कि तुमने ये गुनाह किया नहीं किया, किया नहीं किया, कोई सवाल। तो अब इश्काल होगा कि कैसे नहीं होगा, हम तो आज तक मिंबर से यही सुनते थे क़यामत के दिन इसका पूछा जाएगा, इसका पूछा जाएगा, इसका पूछा जाएगा, लोगों को डराते रहे कि क़यामत में तो एक एक चीज़ का सवाल है। और आज अल्लाह पाक की किताब खोली तो अल्लाह पाक फरमा रहे ला युसअलु अन ज़म्बि, किसी से उसके गुनाह का सवाल ही नहीं होगा। तो आपने जवाब दे दिया ले तहकीकिन, तहकीक के लिए सवाल नहीं होगा, लेकिन होगा तो किसके लिए? तौबीख के लिए होगा। बात समझ गए? जैसे मिसाल के तौर पे, इस क्या नाम है यासिर भैया, चाय ले आओ, सर में दर्द हो रहा है। ये गए वहाँ और थोड़ी देर बाद वहाँ से आवाज़ आ गई, आवाज़ इनकी नहीं, कप की। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कब इन्ना लिल्ला हो गया है ना, तो और तो कोई था नहीं सिवाय इनके। तो अब देखे और कोई नहीं था, तो ये बात तो तय हो गई ना कि कब तो इन्होंने तोड़ दिया, और एक ही कब था, सर में दर्द भी था, चाय भी गई, कप भी गया, सब कुछ गया। तो अब जब ये आए तो इनसे ये पूछे भाई किसने तोड़ा, तो ये तो पता है कि ये और कोई था नहीं, ना कुछ और हुआ है। ये सवाल बराए तहकीक नहीं है, तहकीक तो हो चुकी, किया इन्होंने कारनामा। अब जो ये सवाल है ना कि भाई बताओ किसने किया, ये तौबीख होती है, डांटना होता है, इल्ज़ाम साबित करना होता है। क़यामत के दिन अल्लाह पाक बराए इस्तेफ़ाम और इल्म के थोड़ी पूछेंगे कि हाँ भाई तुमने नमाज छोड़ी थी, कि नऊज़ु बिल्लाह इल्म नहीं है, तहकीक तो हो चुकी, नाम आमाल हो चुका। अब जो है वो मैदान महशर में उसकी तौबीख मकसूद है, लोगों के सामने इसको पता चले कि मैं कितना बड़ा मुजरिम हूँ। फबियय आला रब्बिकुमा तुकज़िबान, युरफुल मुजरिमून, लिखें कैफियत अज़ाब।
يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ, مجرم پہچان لیے جائیں گے. نیچے لکھ کے للملائکہ, یہ کن کے لیے؟ فرشتوں کے لیے. اللہ پاک کے لیے تو سب چیزیں معروف ہیں, فرشتے کیسے مجرم کو پہچانیں گے؟ فرمایا مجرموں کو پہچان لیا جائے گا, بِسِيمَاهُمْ, ان کے حلیے سے. حلیے سے, فَيُؤْخَذُوا, پھر ان کو پکڑ لیا جائے گا, بن نواسی, پیشانی سے, والاقدام, اور پیروں سے. نواسی کہتے ہیں جو پیشانی کے بال ہوتے ہیں, اقدام کہتے ہیں پیروں کو. اب سوال یہ کہ سر سے پکڑیں گے یا پیر سے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بیان القرآن میں لکھا کہ مجرم مجرم میں فرق ہے, کسی کو سر سے پکڑا جائے گا اور کسی کو پیروں سے کھینچا جائے گا. بات سمجھ گئے؟ لیکن حضرت استاذ صاحب فرماتے تھے کہ ہر مجرم کے لیے دو فرشتے ہوں گے, سمجھ گئے؟ تو ایک سر سے پکڑ لے گا اور ایک کس سے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا, بعض لوگوں کو ڈاما ڈولی بنا دیتے ہیں, اس کو دو ہاتھ سے پکڑ لیا اور دو پیر سے, بیچ میں جھولا دے رہے ہیں تمہیں. تو اس طرح ایک فرشتہ سر سے پکڑے گا, دوسرا پیروں سے پکڑے گا, اور پھر 1 2 3 کہہ کر سیدھا اندر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي, لیکن تذلیل مجرمین. اللہ پاک فرمائیں گے هذه جهنم, یہ ہے وہ جہنم, التي يكذب بها المجرمون, جس کو مجرمین جس کو جھٹلاتے تھے. يطوفون بينها وبين حميم آن, گھومتے پھریں گے, گھومتے, یطوفون, چکر لگاتے رہیں گے, گھومتے پھریں گے, بینہا, ہا کے نیچے لکھ کے آگ, آگ میں, اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان. تو حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ ان کو آگ میں پھینکا جائے گا, خاردار جھاڑی کھلائی جائے گی, ان کو پیاس لگے گی, یہ کہیں گے پانی کے لیے. فرشتے ان کو لے جائیں گے, ان کو لے گا, اب راحت آئے گی. لیکن وہ پانی جب پئیں گے تو وہ کھولتا ہوا پانی ہو, وہ جسم کی آنتڑیوں کو نکال دے گا باہر, اعاذنا اللہ منہ. پھر ان کو آگ کے پاس لائیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه, لکھے انجام مؤمنین خواص, خاص ایمان والوں کا انجام, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. جنتان, لکھے نعمت نمبر ایک, اس کے لیے دو جنتیں ہیں, دو بڑے باغات. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان, وصف نمبر ایک, وہ باغات کیسے ہوں گے؟ وصف نمبر ایک, شاخوں والے. کون سے والے؟ شاخوں سے اشارہ کیا کہ خوب گھنے گھنے درخت ہوں گے اس کے اندر. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان, وصف نمبر دو, اور ان دونوں میں, عینان, دو چشمے ہوں گے پانی کے, تجریانے, جو دور تک بہہ رہے ہوں گے. تجریان کا یہ ترجمہ ہے, جو دور تک جاری ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما, لکھے وصف نمبر تین, ان باغات میں, من كل فاكهة, ہر قسم کے پھل ہوں گے, زوجان, دو دو قسم کے. کتنے؟ بریکٹ میں لکھے معروف اور غیر معروف, دو دو قسم. بھئی آپ کو کہیں بھی سیب کھانا ہے, سیب دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھا ہے تو سیب دیکھا ہے, لیکن جب فرشتہ لائے گا جنت میں تو وہ ایک پلیٹ میں دو سیب ہوں گے, ایک وہ ہوگا جو معروف ہم نے دنیا میں دیکھا ہے, دوسرا ہوگا ہم کہیں گے بھئی یہ کیا ہے, وہ کہیں گے جنت والا سیب ہے, غیر معروف. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين, نعمت نمبر دو, تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے, على فرش, ایسے بچھونوں پر, ایسے بچھونے, بستر, بطائنها, جس کے جو استر ہوں گے, من استبرق, وہ بھی موٹے ریشم کے ہوں گے. بطائن کہتے ہیں کس کو؟ استر, جانتے ہیں نا. دیکھیے دوستو, ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بستر ہوتے ہیں یا جو صوفے کے گدے ہوتے ہیں, اس پر مستورات اوپر سے بھی ایک کپڑا چڑھا لیتی ہے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے نا, کور کہتے ہیں اس کو اوپر سے. اچھا, اب کور کا جو کپڑا ہوتا ہے, اس کا ایک اوپر کا حصہ ہے, ایک اندر کا حصہ ہے. اوپر تو چونکہ مہمانوں نے, لوگوں کی نظر سامنے والی پر پڑتی ہے, تو اوپر کا کپڑا تو ہم لگاتے ہیں عمدہ والا,
अंदर का जो अस्तर होता है, कभी अगर आप चैन खोल के देखें ना, इसलिए कभी तकिए वगैरह इसका अंदर मत देखे वरना आपका दिल भर जाएगा, वहाँ ऐसी रद्दी चीज़ें अंदर लगाई जाती है, तो वो तो चूंकि नज़र नहीं आ रहा ना अंदर का, है ना, तो वहाँ तो कोई भी मेला कुचेला पुराना फटा जो कपड़ा मिल गया उसको अंदर का अस्तर बना देते। कुछ समझ पड़ती है? तो ऊपर का जो हिस्सा है वो होता है खूबसूरत, अंदर का होता है रद्दी। लेकिन जन्नत की नेमतें ऐसी हैं कि वहाँ के जो बिछोने और बिस्तर होंगे उस पर जो ऊपर अस्तर लगा होगा, अस्तर का जो अंदर का हिस्सा होगा वो भी रेशम का होगा, कीमती होगा। समझ गए? वजनल जन्नतैन दान, वस्फ नंबर चार। जना का तर्जुमा लिखे फल, दोनों बागात के जो फल होंगे दान इन करीब होंगे। फवियाई ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिन्ना, लिखे नेमत नंबर तीन, उन बागात में कासिरातु तर्फ, निचली निगाह वाली औरतें होंगी। कासिरातु तर्फ, जिनकी निगाहें नीची होंगी। इसके नीचे लिखे बयान हुस्ने सीरत, औरत के अंदर एक सीरत की खूबसूरती है, एक सूरत की खूबसूरती है। समझ गए? औरत का हुस्न यह है कि वो जब चले या बैठे तो अजनबी के सामने उसकी निगाहें झुकी हुई हो। ये कमाल नहीं है कि बटर बटर हर चीज़ को देखना है आंखें फाड़ के, ये कोई कमाल नहीं है, न मर्द के लिए न औरत के लिए। लेकिन मर्द को गुंजाइश और इजाज़त दी कि ये रहनुमा है। इसलिए आपने देखा हो ना, पहले महज़ब ज़माने में या आज भी जो नेक लोग होते हैं वो मर्द आगे चल रहा होता है रास्ते की रहनुमाई, मस्तूरात पीछे हिजाब और पर्दे में चल रही होती। इसी तरह है ना, अब तो मस्तूरात आ गए। हमारे जामिया के उस्ताद हैं हज़रत मौलाना ज़ैब साहब दामत बरकात हों, जानते हैं ना आप लोग मौलाना मोहम्मद ज़ैब साहब। तो उस्ताद जी फरमाते थे कि आजकल तो उल्टा है, बाज़ार जब जाते हैं तो उसको कहते हैं बच्चे को संभाल लो, तो कहा कि वो उस्ताद जी वो नकल भी करते थे, वो इस तरह बच्चे को हिलाते हैं ना, तो कहा वो बाहर खड़े होकर के उसको बच्चे को रोने से खामोश करवा रहा होता है और अंदर औरत ख़रीदारी कर रही होती, ये बाहर इंतज़ार कर रहा होता है गाड़ी के पास। उल्टा नहीं हो गया? तो मकसद देखे, हर चीज़ समझना चाहिए, मना नहीं है। अगर मर्द औरत शौहर बीवी एक साथ ख़रीदारी करें कोई मना नहीं, न शरअन न इखलाकन, लेकिन हुदूद अरबा का ख्याल रखते हुए, पर्दे का एहतमाम रखते हुए, आंखों की हिफाजत करते हुए बिल्कुल करें। तो कासिरातु तर्फ, निगाहें नीची होंगी झुकी हुई, लम यतमिस हुन्ना, और उनको हाथ नहीं लगाया होगा इंसुन कबलहुम वला जान, इनसे पहले न किसी इंसान ने और न जिन्नात ने। तम्स, तम्स कहते हैं, अगर लुगवी एतबार से देखा जाए तो तम्स कहते हैं हैस के खून को, जो औरत के माहाना अय्याम का खून होता है ना। तो बाकिरा औरत से जब पहली दफ़ा मुबाशरत होती है तो खून निकलता है ना, तो ये असल में एक ताबीर है, लम यतमिस हुन्ना। ये जन्नती औरतें ऐसी पाक साफ बाहया होंगी कि गोया इनके जो शौहर जन्नती आएंगे पहली दफ़ा इनकी इनसे मुलाकात होगी, इससे पहले इन्होंने किसी मर्द को देखा भी नहीं होगा। फबियाई आलाय रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, लिखे बयान हुस्ने सूरत, और वो जन्नत की औरतें ऐसी होंगी गोया के याकूत व मरजान है, याकूत व मरजान है, यानी सफाई सुथराई और चमक में ऐसी हुस्न व खूबसूरती होगी। फबियाई आलाय रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, लिखे सबब जज़ा, ये इतना बड़ा बदला जन्नतियों को क्यों मिला, इसका सबब अब गौर करें। कहते हैं हल जज़ाउल इहसान, इसलिए कि नहीं है, पहले वाले अल इहसान के नीचे लिखे गायत इताअत, दूसरे के नीचे लिखे गायत इनायत। मुफस्सिरीन कमाल कर गए हैं दोस्तों, वरना आज तक हम तर्जुमा करते थे एहसान का बदला सिवाय एहसान के और, यानी आप किसी पर एहसान करो तो वो आप पे एहसान करेगा। उन्होंने फरमाया गायत इताअत का बदला सिवाय गायत इनायत के और कुछ नहीं।
गायत समझते हैं, गायत इंतहाई हद, बंदा अल्लाह की इताअत में हद कर जाए। लेकिन बंदे की हद क्या होगी दोस्तों? हमारी उम्र महदूद है, सेहत महदूद है, ताकत महदूद है ना। हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हिम्मत करके रात को उठेंगे तो तहज्जुद में आधा घंटा एक घंटा दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत करेंगे तो दिन में तीन पारों की, चार पारों की, पांच पारों की, बाज़ ऐसे होते हैं दस पारों की तिलावत कर जाएंगे। हद है ना हर चीज़ की। लेकिन ये बंदा अपनी कोशिश कर ले इताअत में, फिर जब अल्लाह के पास जाएगा तो अल्लाह पाक अपनी इनायत की हद फरमा देंगे। तो अल्लाह की इनायत की तो कोई हद नहीं है, तो कितना नवाजा जाएगा ये इंसान सोच भी नहीं सकता। तो नहीं है गायत इताअत का बदला सिवाय गायत इनायत के। फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वमिन दूनिहिमा जन्नतान। लिखे अंजाम मुमिनीन अवाम, अवाम आम ईमान वालों का अंजाम क्या होगा? फरमाया उन दो बागात के अलावा भी दो बागात हैं। एक तो वो दो जन्नतें थी ना जो खवास की थी, लेकिन वो खवास दुनिया वाले नहीं और आवाम दुनिया वाले नहीं कि कोई ये कहे कि यहाँ भी आवाम पिटे पिसे वहाँ भी यही हो रहा है। नहीं नहीं, नऊज़ु बिल्लाह, ऐसा नहीं। अल्लाह के यहाँ खवास वो है जो अल्लाह के साथ लग गए, अल्लाह की मोहब्बत में चले गए, और आवाम वो है जो अल्लाह से दूर है, सिर्फ कलमे कलमा और ईमान उनके पास है, तो अल्लाह उनको भी महरूम नहीं फरमाएंगे। तो उन दो जन्नतों के अलावा भी जन्नतानी दो जन्नतें होंगी। फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुदहाम मतान। अब इन दो जन्नतों की औसाफ क्या है? वस्फ नंबर एक, मुदहाम मतान, गहरे सब्ज रंग के, गहरे जैसे सियाह, इंतहाई जब हरा रंग डार्क हो जाए ना, गहरा हो जाए, दूर से ऐसा लगता है जैसे काला है। ये इशारा था कि इतनी हरियाली होगी इन बागात में, सब्जा होगा कि दूर से लगेगा कि जैसे काला रंग। फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनानि नज़ाख़तान। वस्फ नंबर दो, उन दो बागात में चश्मे होंगे नज़ाख़तान जो जोश मारने वाले होंगे। फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा फ़ाकिहा। वस्फ नंबर तीन, उन बागात में फल होंगे व नखलुन खजूरें होंगी व रुम्मान और अनार। फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्न खैरातुन हिसान। वस्फ नंबर चार, और उन बागात में खूबसूरत हिसानुन खूबसूरत औरतें होंगी। बात समझ गए? खूबसूरत और खूबसूरत औरतें जो अल्लाह पाक इन जन्नतियों को देंगे। खैरातुन के नीचे लिखे नंबर एक, ये उन जन्नती औरतों के औसाफ हैं, उनकी सीरत भी अच्छी, हिसानुन नंबर दो, और उनकी सूरतें भी अच्छी। फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हूरुन नंबर तीन, हूर किसको कहते हैं? सफ़ेद रंग को, उनका रंग सफ़ेद गोरा होगा। मकसूरातुन नंबर चार, और जो महफूज रखी हुई होंगी फिलखियाम खेमों में, जन्नत में एक जगह होगी यहाँ खेमे लगे होंगे, उन खेमों में अल्लाह पाक ने इन हूरों को बिठाया होगा, महफूज होंगी यानी किसी की नज़र उन पर नहीं पड़ी होंगी। फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान। न उनको हाथ लगाया होगा इससे पहले किसी इंसान ने, न किसी जिन ने। फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकीना, ये जन्नती तकिया लगाए हुए होंगे, आला रफ रफिन कालीन पर, खुजरिन जो सब्ज रंग का होगा, सब्ज कालीन, व अबकरीन और ऐसे बिछौनों पर, हिसानिन जो के उम्दा होंगे। फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तबारक कस्म रब्बिका। लिखे दावा सूरत, बरकत वाला है आपके रब का नाम, बरकत वाला है आपके रब का नाम। तो भाई रब का नाम क्या है? अल्लाह। क्या नाम है? अल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह को अल्लाह ने खुद बाबरकत फरमाया। बात समझ गए? तो इस लफ्ज़ के ज़िक्र में कितनी बरकतें होंगी। ज़िल जलाले, जो के बड़ाई वाला है, वल इकराम और जो बुज़ुर्गी वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा वक़ातिल वाक़िया। सूरह रहमान ख़त्म हो गई दोस्तों, अब है सूरह वाक़िया। देखें
रब सूरतुल वाकया बिर्रहमान नंबर एक, दोनों सूरतें अंजाम फरीकैन में मुश्तरक हैं। नंबर दो, नीस फसब्बिह बिस्म रब्बिकल अज़ीम, ये दावा सूरत है, इसका रब्त है तबारक स्मु रब्बिक ज़िल जलाल वल इकराम। देखिए इस सूरत की आखिरी आयत है तबारक स्मु रब्बिक, उस सूरत की है फसब्बिह बिस्म रब्बिकल अज़ीम, इसका रब्त है। खुलासा सूरत नंबर एक अहवाल क़ियामत, नंबर दो तीन जमातों का, सूरह वाक़िया में तीन जमातों का तस्करा आएगा, तीन जमातों का इजमाली और तफसीली ज़िक्र, नंबर तीन चार दराइल अक़लिया बराए इस्बात दावा, नंबर चार अज़मत क़ुरान, नंबर पाँच जजर, नंबर छः दो बार दावे सूरत का ज़िक्र। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़ातिल वाक़िया, इज़ा इसके नीचे लिखे आई उस्कुर, उस्कुर और इज़ा वक़ात के नीचे लिखे इस बात क़ियामत, याद करो उस वक्त को जबकि वाक़े होने वाली चीज़ वाक़े हो जाएगी। तो क्या चीज़ वाक़े हो जाएगी? क़ियामत। लैसा लि वक़ातिहा काज़िबा, लाम के नीचे लिखे बेमाना फ़ी, लैसा फ़ी उसके वाक़े होने में काज़िबा, कोई झूठ नहीं, कोई झूठ नहीं, और अच्छा तर्जुमा है कोई शक नहीं। हाफिज़तुर राफ़िया लिखे अहवाल क़ियामत, वो क़ियामत पस्त करने वाली है, पस्त किसको कहते हैं? नीचे को। हाफिज़तुन के नीचे लिखे लिल कुफ़ार, क़ियामत किन को पस्त करेगी? काफिरों को। राफ़िया बुलंद करने वाली है, लिल मुमिनीन ईमान वालों को। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा, जब ज़मीन को खूब हिला दिया जाएगा, खूब रज्जन जो मफ़ऊल मुतलक है ना, ये खूबी के माने में, जब ज़मीन खूब हिला दी जाएगी, वबुस्सतिल जिबालु बस्सा और पहाड़ खूब रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे, फ़कानत हबा अम मुंबस्सा, तो वो होंगे जैसे कि गुबार मुंबस्सा उड़ता हुआ, उड़े हुए गुबार की तरह पहाड़ होंगे। वकुन तुम अजवाजन सलासा, तुम हो जाओगे तीन किस्मों में, अजवाजन ऐ अकसामन, इंसान कितने हिस्सों में हो जाएंगे? तीन किस्मों में। हाशिए पर लिखे नंबर एक मुकर्रबीन, नंबर दो अवाम मुमिनीन और नंबर तीन कुफार, यानी ईमान वालों के दो तबके होंगे, खवास मोमिनीन, अवाम मोमिनीन और तीसरा कुफार का होगा। अच्छा, अब जो पहला तबका है फ़असहाबुल मैमना, ये है कौन? अवाम मोमिनीन। दोस्तों फ़असहाबुल मैमना दाएं तरफ वाले, मा असहाबुल मैमना, क्या ही खूब होंगे दाएं तरफ वाले। वासहाबुल मशअमा, ये कुफार है दोस्तों, और बाएं तरफ वाले मा असहाबुल मशअमा, क्या ही बुरे होंगे बाएं तरफ वाले। والسابقون السابقون, ये कौन है? ये मुकर्रबीन खवास हैं, खवास, और सबकत करने वाले ही सबकत करने वाले, समझ गए? आमाल में सबकत करने वाले السابقون, जन्नत में भी सबकत करने वाले। أولئك المقربون, यही लोग अल्लाह के मुकर्रब हैं। فی جنات النعیم, लिखे तफसीर अंजाम سابقین। अब देखें तीन तबके बयान हुए ना, पहले किन का जिक्र किया? आवाम का, फिर कुफार का, फिर खवास का। लेकिन अब जब उनका अंजाम जिक्र कर रहे हैं ना, तो पहले खवास का अंजाम बताया। किन का? खवास का अंजाम। फी जन्नातिन नईम, लिखे तफसीर अंजाम साबिकीन, वो नेमतों के बागात में होंगे। जन्नातिन नईम के नीचे लिखे नेमत नंबर एक, नेमतों के बागात में। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, सुल्लतुन से पहले हम मुब्तदा महजूफ निकालें, उनका बड़ा ग्रोह, सुल्ला कहते हैं बड़ी जमात को, बड़ी जमात, साबिकून में से जो बड़ी जमात होगी वो मिनल अव्वलीन पहलों में से होंगी, व कलीलुम मिनल आखिरीन और इनकी छोटी सी जमात वो बाद वालों में होंगी। बात समझ? अब पहलों से और बाद वालों से मुराद कौन है? देखें एक मतलब तो ये कि अव्वलीन से मुराद आप अलैहिस्सलाम से पहले का ज़माना, चूँकि
वो तो बहुत लंबा ज़माना है, सारे पैगंबर आपसे पहले। तो अक्सरी तबका उन सारे पैगंबरों से मिला करके एक निकाला जाएगा खवास का। और आप अलैहिस्सलाम का आखिरी ज़माना है तो आपकी उम्मत का थोड़ा सा हिस्सा, लेकिन चूंकि आपका ज़माना कम है ना, तो आपका कलील भी उन कसीर के मुकाबले का होगा। बात समझ में आ गई। दूसरा कौल ये कि अव्वलीन और आखिरीन दोनों का ताल्लुक आप अलैहिस्सलाम की ज़ात से, आपके ज़माने के जो अव्वलीन हैं यानि सहाबा है, ताबईन है, तबा ताबईन है, ये जो तबका है इनका बड़ा तबका मुकर्रबीन में आएगा। जाहिर सी बात है वो शुरू के लोग हैं, और उनका जो छोटा तबका मुकर्रबीन का है वो आखिरी ज़माने के लोग होंगे। बात समझ गए दोस्तों? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कहाँ तक पहुँचा भाई जी? ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ये مقربین کا انجام بیان ہو رہا ہے نا، جو سابقین ہیں، فرمایا ان کا بڑا گروہ پہلوں میں سے ہوگا۔ پہلوں سے عرض کیا کہ اس سے مراد आप अलैहिस्सलाम से पहले के तमाम अंबिया भी हो सकते हैं और ख़ुद आप अलैहिस्सलाम का इब्तदाई दौर भी हो सकता है। वक़लीलुम मिनल आखिरीन और छोटा ग्रोह बाद वालों में से होगा। अला सुरुरिम मौजूना नेमत नंबर दो, ऐसे तख्तों पर बैठे हुए होंगे। अब मुकर्रबीन की जो जन्नत है ना दोस्तों, मुकर्रबीन वाली, वो तो अलग शान वाली, ऐसे तख्तों पर होंगे मौजूना जो सोने के तारों से जड़े होंगे, सोने के तार उसमें जड़े हुए होंगे। मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन, उसमें तकिया लगाए हुए होंगे मुतकाबिलीन आमने सामने। यतूफ़ अलैहिम विल्दान मुखल्लदून नेमत नंबर तीन, उन पर चक्कर लगा रहे होंगे विल्दान ऐसे लड़के यानि खादिम, मुखल्लदून जो हमेशा ही लड़के रहेंगे, उनकी उम्र बढ़ेगी नहीं, उसी उम्र में। बेअक्वाबिम व अबारीका, क्या लेकर चक्कर लगाएंगे? गिलास, अबारीका और प्याले। व कासिन और जाम, मिम मईनिन जारी शराब के, जारी शराब से मुराद ये है कि जो फुल भरे हुए गिलास होते हैं, जैसे बात समझ गए, पूरे भरे हुए गिलास होंगे ऊपर तक। ला युसद्दऊन अन्हा वला युन्ज़िफून, न उस शराब से सर दर्द होगा न कोई बेहुदा बात करेंगे। दुनिया की शराब पीकर तो लोग के सर में दर्द होता है, फिर ऑल फॉल बकना शुरू हो जाते हैं वो लोग, यहाँ ऐसा नहीं होगा। न दर्द सर होगा न कोई बकवास करेंगे। वफा के हतिन नेमत नंबर चार, माकूलात, मक़ूलात खाने की चीज़ें, और ऐसे मेवे फल होंगे मिम्मा ये तख़य्यरून जो उनकी हसब पसंद होंगे, हसब ख्वाहिश। बात समझ गए? वलहम तैरिन और परिंदे का गोश्त, मिम्मा यश्तहून जो हसब ख्वाहिश होगा। वहूरुन ईन नेमत नंबर पाँच, और मोटी आँखों वाली हूरें होंगी। कामसाल लुलुइल मकनून, ऐसे जैसे छुपे हुए मोती, मकनून कहते हैं छुपा हुआ, लो मोती, छुपे हुए मोतियों की तरह। जज़ाअम बिमाकानु यामलून, ये बदला होगा इन लोगों के, इन मुकर्रबीन के किए हुए आमाल का। ला यस्मऊन फ़ीहा लग़्वन वला तक़सीमा नेमत नंबर छः, नहीं सुनेंगे उस जन्नत में कोई बेकार बात और न गुनाह वाली बात। लग्व कहते हैं बेमकसद बात को, तकसीम कहते हैं गुनाह वाली बात। इल्ला कीलन, कीलन के नीचे लिख के कौलन,
सिवाय बात कौन सी? सलामन सलामन, हर तरफ से सलाम सलाम की आवाजें होंगी, सलामती की बातें होंगी, और कोई बात नहीं होगी उसके अंदर। वह अस्हाबुल यमीन व अस्हाबुल यमीन, लिखे तफसील अंजाम जमात उला। जमात उला से मुराद नहीं आम मोमिनीन, देखें तरतीब के एतबार से वहाँ आम मोमिनीन पहले आए थे ना, तो तफसील अंजाम जमात उला। और दाई तरफ वाले माँ अस्हाबुल यमीन क्या ही खूब हैं दाई तरफ वाले, फी सिद्रिन, अब इनकी नेमतें उनके मुकाबले में थोड़ी सी कम है दोस्तों। फी सिद्रिन, ऐसे बेरियों में, बेर बेर जानते बेर होते हैं ना खाने के, ऐसे बेर बेरियों में होंगे कि मखजूद, जो बग़ैर कांटों के, ये जो बेर का दरख्त होता है ना इसमें कांटे होते हैं असल बेर के दरख्त में, है ना, तो वो बग़ैर कांटों के बेर होंगे। व तलहिन, और ऐसे केले होंगे, मंजूदिन, जो तह बतह होंगे। आप जाए ना ठेले में केले रखे हुए होते हैं, पूरा पूरा गुच्छा होता है, पहले एक तह, फिर दूसरी तह, फिर तीसरी तह, है ना, तो ऐसे केले होंगे जो तह बतह होंगे। व ज़िल्लिम, नेमत नंबर दो, और ऐसे साए होंगे ममदूदिन, जो लंबे लंबे होंगे। व माइम मस्कूब, नेमत नंबर तीन, और ऐसा पानी होगा मस्कूबिन, जो के जारी होगा, बहता हुआ पानी। वफा के हतिन कसीरा, लिखे ततिम्मा नेमत अव्वल। ततिम्मा नेमत, नेमत अव्वल क्या थी दोस्तों? के बेर होंगे और केले होंगे ना, फलों की बात थी। तो फरमाए वफा के हतिन कसीरा, ये फल बहुत ज़्यादा होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। ला मक्तुआ, न तो वो ख़त्म होंगे, वला ममनुआ, और न रोके जाएंगे। व फुरुशिम मरफूआ, नेमत नंबर चार, और ऐसे कालीन होंगे मरफूआ, जो के ऊंचे ऊंचे होंगे। इन्ना अनशा ना हुन्ना इंशाआ, नेमत नंबर पाँच, बेशक हमने जन्नत की उन औरतों को बनाया, इंशाआ ख़ास तौर पे, जन्नत की जो औरतें जन्नतियों के लिए बनेंगी हूरें ख़ास तौर पे। फजअलना हुन्ना अबकारा, हमने बना दिया उनको कवारी, कवारी जानते ना जिसकी शादी ना हुई हो, कवारियाँ बना दिया। उरुबन, जो प्यार करने वाली, अतराबन, हम उमर होंगी, प्यार करने वाली और हम उमर होंगी। ले अस्हाबिल यमीन, ये किनको मिलेंगी? दाएं तरफ वालों को। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, देखें, और इंसानों में से एक बड़ा तबका अव्वलीन में से भी होगा और एक बड़ा तबका बाद वालों में से भी हो। देखिए मुकर्रबीन में फ़र्क था ना, पहलों में से ज़्यादा थे, बाद वालों में से कम थे, लेकिन अस्हाबुल यमीन पहलों में से भी ज़्यादा होंगे, बाद वालों में भी खूब ज़्यादा। वा अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल, तफसील अंजाम में जमात सानिया, जमात सानिया जो कुफ्फार थे ना, और बाएं तरफ वाले क्या ही बुरे हैं बाएं तरफ वाले। फी समूम व हमीम, जो आग में होंगे और खोलते हुए पानी में। समूम कहते हैं लू, जो आग की तपिश होती है ना, लू में होंगे और गर्म पानी में। वज़िल्लिन, और ऐसे साए में होंगे, मी यहमूम, जो साया सियाह धुएं का होगा, सियाह धुएं का साया। लबारिदिन, जो ना ठंडा होगा, वला करीमिन, और ना राहत देने वाला होगा। इन्नहुम कानु क़ब्ल ज़ालिका मुत्रफीन, सबब अज़ाब नंबर एक, हुब्बे दुनिया, हुब्बे दुनिया, ये लोग इससे पहले, क़ब्ल ज़ालिका के नीचे लिखे फिद दुनिया, ये लोग दुनिया में क्या थे? मुत्रफीन, इतराने वाले थे, खुश ऐश यानी अपनी मस्तियों में मगन रहते थे। वकानु युसिरूना, लिखे सबब अजाब नंबर दो, ये लोग डटे हुए थे, अलल हिंसिल अजीम, बड़े गुनाहों पर, बड़े गुनाहों पर डटकर जिंदगी गुजारते थे। वकानु यकुलूना, सबब अजाब नंबर तीन, इनकार क़ियामत, और ये लोग कहते थे ऐजा मितना व कुन्ना,
سبب عذاب نمبر تین انکار قیامت و شکوہ. کہتے تھے اذا متنا و کنا ترابا و عظاما, جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈی, اینا لمبعوثون, کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ او آبا ان الاولون, یا ہمارے پچھلے باپ داداؤں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ قل, لکھیں جواب شکوہ, آپ کہہ دیجئے, ان الاولین والآخرین, بے شک اگلے بھی اور پچھلے بھی, لمجموعون, سب کے سب کو جمع کیا جائے گا, الا میقات یوم معلوم, ایک متعین دن کے وقت مقرر پہ. میقات کے نیچے لکھیں وقت مقرر اور معلوم کے نیچے لکھیں متعین. ثم انکم, پھر بے شک تم سب کے سب, ایہا الضالون, اے گمراہو, المکذبون, اے جھٹلانے والو, اے گمراہو, اے جھٹلانے والو, لآکلون, تم ضرور کھاؤ گے, من شجر من زقوم, زقوم کے درخت میں سے. زقوم آئے نا, تھوہر, زقوم کے درخت. فمالئون منہ البطون, اس سے پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم, پھر اس پر پیو گے کھولتا ہوا گرم پانی. فشاربون شرب الہیم, لکھے کیفیت شرب, اور یہ جہنمی کیسے پئیں گے؟ تم پیو گے جیسے کہ پیاسے اونٹ کا پینا, پیاسا اونٹ. ھذا نزلہم یوم الدین, یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی بدلے کے دن کی. نزل کہتے ہیں مہمان نوازی کو. نحن خلقناکم, لکھیں دلیل عقلی نمبر ایک, دلیل عقلی نمبر, نحن خلقناکم, ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا. خلقناکم کے نیچے لکھیں مرتن اولا, پہلی مرتبہ, پہلی مرتبہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ہم نے. فلولا تصدقون, تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرائیتم ما تمنون, لکھیں کیفیت خلق, کیسے پیدا کیا؟ کیا تم نہیں جانتے ما, اس پانی کو, تمنون, جو تم ٹپکاتے ہو, جو تم, انتم تخلقونہ, کیا تم بناتے ہو اس پانی سے؟ تخلقونہ کے نیچے لکھے بشرن. ان طلبا کو کوئی بول دے, بولے تھوڑا سا خاموش ہو جائے, بولے حوصلہ کرے, استاذ آ رہے ہیں, ورنہ میں پھر وہاں آ کے بیٹھ جاؤں, بولے تھوڑا سا بولے. کیا تم بناتے ہو اس پانی سے بشر, ام نحن الخالقون, یا پھر ہم بنانے والے؟ نحن قدرنا بینکم الموت, ہم نے طے کر دی ہے تمہارے درمیان موت, مقرر کر دی تمہارے درمیان موت, مقرر کر دی. وما نحن بمسبوقین, اور ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا, یعنی ہم سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا. على ان نبدل امثالکم, اس معاملے میں کہ ہم تبدیل کر دیں امثالکم تمہارے ہی مثل سے. ہمیں کوئی اس چیز سے نہیں روک سکتا کہ ہم تمہارے بدلے میں تبدیل کر کے امثالکم تمہاری طرح کے اور لوگوں کو لے آئیں. وننشئکم فیما لا تعلمون, اور ہم تمہیں اٹھا دیں, فیما, ایسے جہاں میں, یعنی ایسی جگہ میں, لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے. تو انسان کو یہ سمجھایا کہ یہ مت سمجھو کہ تم دنیا کی مجبوری ہو, کہ تم نہیں ہوگے تو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو جائے گا. نہیں, ہم چاہیں تو تمہاری طرح دوسری مخلوق کو لا کے بسا دے. اچھا, تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تم جب آنکھیں کھولو گے تو ایسی جگہ اٹھو گے کہ تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہوا. بات سمجھ گئے, بات سمجھ گئے دوست؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, لکھے تنبیہ, یقیناً تم جانتے ہو, النَّشْأَةَ الْأُولَى, پہلی دفعہ کی پیدائش کو, کہ پہلے تم کیسے بنے, کس نے بنایا. فلولا تذکرون, کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے. افرائیتم, لکھے دلیل عقلی نمبر دو, بھلا یہ تو بتاؤ, ما تحرسون, جو کچھ تم بوتے ہو, اگاتے ہو, انتم تزرعونہ, کیا تم اس سے اگاتے ہو, ام نحن الزارعون, یا ہم اگانے والے ہیں. بات سمجھ گئے؟
तुमने बीज डाल दिया, बीज बो दिया, अब इस बीज को आगे उगाना वाला कौन है, तुम हो या हम हैं? लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामा, अगर हम चाहें तो कर दें उसको चूरा चूरा, फसल ख़राब हो जाए। फजल तुम तफक्कहून, फिर तुम हो जाओ ताज्जुब करने वाले, फिर तुम हो जाओ इन्ना लमुग्रमून, और कहो कि हम तो धोखे में पड़ गए। किस में? धोखे में, यानि हम पर तो तावान आ गया। हम पर क्या आ गया? तावान आ गया, नुकसान में चले गए। हमने मेहनत की, बीज डाला, फसल हल चलाया, पानी दिया, खाद डाली, लेकिन ये तो सब ख़राब हो गया। इन्ना लमुग्रमून, हम तो तावान में पड़ गए। बल नहनु महरूमून, बल्कि हम तो महरूम ही हो गए। अफराईतुमुल माआ, लिखे दलील अक्ली नंबर 3, भला ये बताओ कि वो पानी, अल्लज़ी तशरबून, जो तुम पीते हो, अअन्तुम अन्ज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि, क्या तुमने उसे बरसाया बादलों से? अम नहनुल मुन्ज़िलून, या हम बरसाने वाले? लौ नशाउ लजअलनाहु, लिखे हिफाजत, अगर हम चाहते तो कर देते उस पानी को उजाजन, कड़वा। बारिश का पानी कड़वा नहीं, मीठा है। हम चाहते तो वो पानी भी कड़वा उतार देते। फलौला तशकुरून, तुम शुक्र अदा क्यों नहीं करते? अफराईतुमुन्नारा, लिखे दलील अक्ली नंबर 4, भला ये तो बताओ कि वो आग जो तुम सुलगाते हो, तुरून, सुलगाना, जलाना, अअन्तुम अन्शअतुम शजरतहा, क्या तुमने पैदा किया है उसके दरख्त को, या हम पैदा करने वाले? भाई आग जलती है तो लकड़ी इस्तेमाल होती है, तो इस लकड़ी के लिए जो दरख्त पैदा हुआ है वो किसने बनाया? बात समझ में आ गई। अगरचे एक कौल इसमें यह भी है कि एक ऐसा दरख्त है कि जो आग के अंदर बड़ा होता है। किसके अंदर? आग के अंदर। उसका सारा जो बड़ा होना है और उसकी बढ़ोतरी है वो आग के अंदर है। इस दुनिया में भी ऐसे दरख्त हैं कि जो आग में रहकर बड़े होते हैं। तो बाज़ ने तो शजरहात से मुराद वो लिया कि उस आग के दरख्त को तुमने पैदा किया या हमने पैदा किया। बात समझ गए दोस्तों? नहनु जअलनाहा तस्किरा, हा ज़मीर के नीचे लिख के आग, हमने बना दिया उस आग को तस्किरतन, याद दहानी का ज़रिया। किसका ज़रिया? याद दहानी का ज़रिया नारे जहन्नम के लिए। इंसान दुनिया की आग को देखता है, इसे जहन्नम की आग का एक मंज़र सामने आता है। हमने इसको याद दहानी का ज़रिया बना दिया। व मताअन, और फ़ायदे की चीज़, लिल मुक़वीन, मुसाफिरों के लिए। रास्ते के मुसाफिर को बड़ा फ़ायदा होता है आग से। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, दावा सूरत, बस तुम तस्बीह पढ़ो अपने अजीम रब के नाम की। फला उक्सिमो, लिखे बयान शाहिद। अब जुमला कस्मिया है दोस्तों, बयान शाहिद, शाहिद कहते हैं गवाह को। मैं कसम खाता हूँ बिमवाक़िन नुजूम, सितारों के डूबने की। किसकी? सितारों के डूबने की। व इन्नहु लक़समुन, लिखे अहमियत कसम, और बेशक ये जो कसम है, ये लौ तालमून का तर्जुमा बाद में करें दोस्तों, लक़समुन अज़ीमुन, और बेशक ये एक बड़ी कसम है, लौ तालमून, अगर तुम गौर करो, अगर तुम गौर करो। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, लिखे जवाब कसम व अज़मत क़ुरान, बेशक वो क़ुरान करीम, वो करीमुन, सिफत नंबर 1, वो मुअज़्ज़ज़ है। क़ुरान क्या है? मुअज़्ज़ज़ है, सिफत नंबर 1। फ़ी किताब मकनून, सिफत नंबर 2, वो ऐसी किताब में है, मकनूनिन, जो कि महफूज है, ब्रैकेट में लिखे यानि लोहे महफूज। ला यमस्सुहु, सिफत नंबर 3, उसको हाथ नहीं लगा सकते मगर पाकीज़ा लोग, पाकीज़ा। बाज़ ने इससे इंसान मुराद लिए, तो भाई कुरान को बेवजू आदमी हाथ नहीं लगा सकता, लगा सकता नहीं,
बाज ने मुताहरून से मुराद फरिश्ते लिए कि लोहे महफूज से कुरान लेने वाले पाकीज़ा मखलूक यानि नूरानी फरिश्ते हैं और कोई नहीं जा सकता। तंजीन लिख के सिफत नंबर 4, ये कुरान उतारा गया है मिर रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के रब की तरफ से। अफ बिहाज़ल हदीसी अंतुम मुदहिनून लिख के तरगीब इल तस्दीक, क्या इस कलाम के बारे में, हदीस का तर्जुमा लिख के कलाम, क्या इस कलाम के बारे में अंतुम मुदहिनून तुम सुस्ती करते हो। व तजअलून रिज़्क़कुम, रिज़्क़कुम के नीचे लिख के नसीबकुम, और तुमने अपना हिस्सा बना रखा है कि अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, के तुम उसको झुटलाते हो। भाई क़ुरान करीम में हर मुसलमान का हिस्सा है ना, तो हम उसको पढ़ते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उस पर अमल की कोशिश करते हैं, उसके हलाल और हराम पर यकीन ये हर मुसलमान का क़ुरान में एक हिस्सा है। तुमने अपना हिस्सा ये बनाया क़ुरान में कि तुम उसकी तकज़ीब करते हो। फलौला लिखे जजर बर इरकार क़ियामत, क्यों नहीं ऐसा होता कि जब रूह पहुंच जाए हलक तक, रूह पहुंच जाए हलक तक, वान तुम हीन इज़िन तंजुरून, और तुम उस वक्त देख रहे होते हो नीचे लिखे बिल हसरत, किसके साथ, हसरत के साथ देख भी रहे होते हो मरने वाले को। वनहनु अक्रबु इलैहि मिनकुम, हम तुमसे ज़्यादा उस बंदे के करीब होते हैं। वलाकिल्ला तुबसिरून, लेकिन तुम देख नहीं पाते, तुम देख नहीं पाते। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, बस अगर दोबारा उठना नहीं है, गैर मदीनीन, अगर दोबारा उठना नहीं है तो तरजिऊनहा, इस पर लौला को दाखिल करें, तो तुम क्यों उस रूह को वापस नहीं लौटा देते। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, लौटा दो उस जिस्म की रूह को। अगर तुम कहते हो कि मरने के बाद ज़िंदगी नहीं है, कोई मरे हुए को ज़िंदा नहीं कर सकता, ये सब इसका मतलब ये कि इतनी बड़ी बात कहने वाले के पास कुछ तो इख्तियारात है, कोई बड़ी पावर है, आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो ये बताओ कि एक आदमी तुम्हारा रिश्तेदार अज़ीज़, तुम्हारी आंखों के सामने उसकी रूह निकल रही होती है, अभी निकली तो नहीं है ना, है ना, तो तुम इस निकलने वाली रूह को ज़रा रोक के दिखा दो, ये निकाल कौन रहा है इसके जिस्म से। जो निकाल रहा है वो ही कह रहा है कि मैं एक दिन वापस भी ले आऊँगा, तुम कह रहे हो वापस नहीं आ सकती, है ना, तो तुम जाने वाली को रोक के दिखा दो, तो हम समझ जाएंगे कि वाकई तुम्हारी बात में वज़न है, तुम मुकाबले के लोग हो। लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने रूह निकलती है, तुम बेबसी की तस्वीर बने हुए होते हो, कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब तुम्हारी बातों में कोई हकीकत नहीं है, हमने निकाली हम ही वापस लौटा देंगे। अम्मा इनकान मिनल मुकर्रबीन, लेकिन इआदा अहवाल जमात थलाथा इजमालन, अब ये जो तीन जमातों का तस्करा शुरू से हुआ ना, उन तीनों के अहवाल इजमालन दोबारा अल्लाह पाक बता रहे हैं मुख्तसरन। फरमाया फअम्मा इनकान मिनल मुकर्रबीन, जहाँ तक वो लोग हैं जो मुकर्रबीन होंगे, फरौहू व रैहान, रौहुन से पीछे पहले निकाले फलहू, उनके लिए खुशबुएँ हैं और रिज्क है, व जन्नतु नईम, और नेमतों के बागात हैं। व अम्मा इनकान मिन अस्हाबिल यमीन, और जो अस्हाबुल यमीन है दाई तरफ वाले, फसलामुन, इससे पहले निकाले फयुकालु लहू, उनसे कहा जाएगा सलामुन लका, तुझ पे सलामती हो, मिन से पहले निकाले अंता, तुझ पे सलामती हो, तू अस्हाबुल यमीन में से है। वम्मा इनका न मिनल मुकद्दिबीन अज़्ज़ालीन, और जो होंगे जुटलाने वाले गुमराह, फनुज़ुलुम मिन हमीम, फ़ा के बाद लहू निकाले फलहू, उसके लिए मेहमान नवाजी होगी, मिन हमीम इन गर्म खोलते हुए पानी की, व तस्लियतु जहीम, और जहन्नम में दाखिला होगा, इन नहाजा लहू हक़ुल यकीन, बेशक ये बात बिल्कुल बरहक है, यकीनी है।
برحق بھی ہے یقینی بھی ہے. فسبح بسم ربک العظیم, تم پڑھو تسبیح اپنے عظیم رب کے نام کی. ٹھیک ہے جی, سورہ واقعہ ختم. اب سورہ حدید, رب سورۃ الحدید بالواقعہ. دیکھ رہے ہیں, نمبر ایک, پہلے شرط کی تردید باللسان تھی. لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان. اب بالسیف والسنان ہے. سیف کس کو کہتے ہیں؟ تلوار کو. سنان کہتے ہیں نیزے کو. نمبر دو, دوسرا رب, سبح للہ کا فسبح بسم ربک العظیم کے ساتھ ہے. خلاصہ اس صورت, نمبر ایک, توحید کے مراتب ثلاثہ. نمبر دو, ترغیب الانفاق بوجوہ خمسہ. نمبر تین, انجام فریقین. نمبر چار, ترغیب الی الجہاد. نمبر پانچ, ترغیب الی الایمان. ٹھیک ہے, اب دیکھیں دوستو, سبح للہ ما فی السماوات والارض, اللہ ہی کی تسبیح پڑھتے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اس کے نیچے لکھیں قالن وحالن. قالن, ایک ہوتی ہے تسبیح قولی زبان, ایک ہوتی ہے تسبیح حالی. وہ اپنی حالت سے تسبیح میں, پہاڑ ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں تسبیح میں ہے, درخت ہے تو قیام میں ہے تسبیح میں ہے, سمجھ گئے؟ رینگنے والے کیڑے ہیں تو سجدے میں ہے تسبیح میں ہے, چوپائے ہیں تو رکوع میں ہے تسبیح میں ہے, سمجھ گئے؟ وہو العزیز الحکیم, وہی ذات غالب ہے حکمت والی. لہو ملک السماوات والارض, توحید کا پہلا مرتبہ, اسی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں. یحیی و یمیت, وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وہو علی کل شئین قدیر, وہی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. هو الاول والآخر, وہی ذات سب سے پہلے بھی ہے سب کے بعد بھی ہے. الظاہر, وہ ظاہر بھی ہے, نیچے لکھے بالدلائل, اللہ کی ذات ظاہر ہے اپنے دلائل کے ساتھ. والباطن, اللہ کی ذات باطن ہے بکن ہی, کس کے ساتھ؟ اپنی کن, کن کہتے ہیں حقیقت کو, اپنی حقیقت کے ساتھ. وہ بکل شئین علیم, وہی ہر چیز سے باخبر ہے. والذی خلق السماوات والارض, توحید کا دوسرا مرتبہ, اسی ذات نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. فی ستت ایام, چھ دنوں میں. ثم استوی علی العرش, پھر وہ ذات عرش پہ جلوہ فروز ہو گئی. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا, وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں اندر داخل ہوتی ہے. وما یخرج منہا, اور جو زمین سے نکلتے, بیج جاتا ہے, پودے پھل پھول نکلتے ہیں. وما ینزل من السماء, وہ جانتا ہے جو چیز آسمان سے اترتی ہے, بارش ہے, فرشتے ہیں, احکامات ہیں. وما یعرج فیہا, جو چیزیں آسمان کی طرف چڑھتی ہیں, بندوں کی ارواح ہے, بندوں کے اعمال ہیں, فرشتے ہیں. وہو معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. واللہ بما تعملون بصیر, اللہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. لہو ملک السماوات والارض, توحید کا تیسرا مرتبہ, اسی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اسی کی طرف تمام معاملات کو لوٹایا جائے گا. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ, يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ, وہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, دن کو داخل کرتا ہے رات میں. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, وہ باخبر ہے بذات الصدور, دلوں کے خیالات سے بھی. آمنوا باللہ ورسولہ, ترغیب انفاق بوجوہ خمسہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب پانچ وجوہات سے. کتنے؟ پانچ. آمنوا باللہ ورسولی کے نیچے لکھے شرط انفاق, وہی خرچ قابل قبول ہے جس کے پیچھے ایمان ہوگا. ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. وانفقوا, اور خرچ کرو. مما جعلکم, بوجہ اس کے کہ اللہ نے تمہیں بنا دیا مستخلفین فیہ, اس زمین کے اندر نائب جانشین. لکھے وجہ نمبر ایک, چونکہ زمین کے نائب تم ہو, جانشین تم ہو, اب تم خرچ کرو اس زمین والوں پر. فالذین آمنوا منکم, لکھے بشارت, جو تم میں سے ایمان لائے. وانفقوا, اور خرچ کیا. لہم اجر کبیر, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وما لکم, لکھے زجر ڈانٹ,
क्या हुआ तुम्हें कि ला तुमिनून बिल्ला, तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। वर रसूल यदउकुम, जबकि वो रसूल तुम्हें पुकारते हैं, लितुमिनु बिरब्बिकुम, ताकि तुम अपने रब पर ईमान ले आओ। वक़द अख़ज़ मीथाक़कुम इन कुंतुम मोमिनीन, और तहकीक अल्लाह तुमसे ले चुका था अहद, मीसाक़कुम अहद अहद अलस्तु, आलम अरवाह में तुमने एक अहद किया था अल्लाह से कि अल्लाह आपको अपना रब कहेंगे, कहाँ गया वो आहद। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मानने वाले हो। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु, लिखे तरगीब इलल ईमान, वही ज़ात है कि युनज़्ज़िलु अला अब्दिही, जो बेचता है अपने बंदे की तरफ आयातिन बय्यनातिन, वाज़िह निशानियाँ, लियुख्रिजकुम, लिखे हिकमत तंज़ील, ताकि वो तुम्हें निकाल दे, मिलज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, अंधेरों से रोशनी की तरफ, बातिल से हक की तरफ। وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ, बेशक अल्लाह की ज़ात मेहरबान रहम करने वाली। وَمَا لَكُمْ, वजह नंबर दो, क्या हुआ तुम्हें, अल्लाह تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, के तुम खर्च नहीं करते अल्लाह के रास्ते में। وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, जबकि आसमानों और ज़मीन की मीरास किसकी है, अल्लाह की, अल्लाह वारिस, वारिस कौन है, अल्लाह वारिस। لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ, तफावुते दरजाते मुनफिकीन, खर्च करने वालों के दरजात में भी फ़र्क है। लायस्तवी मिनकुम, बराबर नहीं तुम में से, मन अनफक मिन कबल अलफतह वक़ातल, के जिसने खर्च किया फतह से पहले, वक़ातला और क़िताल किया। जो फतह मक्का से पहले के मोमिनीन हैं, उनका दर्जा बढ़कर है, उनका इन्फाक बढ़कर है, उनका क़िताल और जिहाद बढ़कर है। उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना, ये लोग दर्जे में बढ़कर हैं उनके मुकाबले में, अनफ़क़ू मिन बादु, जिन्होंने खर्च किया किसके बाद, फतह के बाद, वक़ातलू और क़िताल किया, लेकिन वकुल्लन, लिखे समरे मुश्तरका, समरे सब के सब से अल्लाह का वादा है, अलहुस्ना कामयाबी यानि जन्नत का, सब जन्नती है। आप अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा क्या है दोस्तों, जन्नती है, उनमें से किसी पर राय नहीं दी जा सकती, उंगली नहीं रखी जा सकती। ये तो आज के बदबातिन और मुफसिद किस्म के लोग हैं, जो कि अपनी हज़ार किस्म की हरामकारियों और बदकारियों के बावजूद सहाबा के सामने तराजू लेके खड़े हुए उनको तोल रहे हैं कि उनमें कौन सही है और कौन गलत है। बात समझ गए, अल्लाह का फैसला अटल है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, अल्लाह की ज़ात बाखबर है जो कुछ तुम करते हो। मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, वजह नंबर तीन, कौन है जो अल्लाह पाक को उम्दा कर्ज दे दे, कर्ज़े हसना, कर्ज़े हसना दे दे अल्लाह पाक को, फ़युज़ाइफ़हु लहू, और फिर अल्लाह उसको कर्ज दुगना करके वापस करे। वलहू अजरुन करीम, और उसके लिए उम्दा अजर हो। यौम तरल मुमिनीन, लिखे बशारत, जिस दिन देखेंगे ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, यसअ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, के उनका नूर दौड़ रहा होगा उनके सामने और उनके दाएं तरफ। बैन अयदीहिम के नीचे लिखे नूर ईमान, और अयमानिहिम के नीचे लिखे नूर आमाल सालेहा। एक नूर आंखों के सामने होगा, ये ईमान वाला होगा, एक दाएं तरफ होगा, ये आमाल सालेहा। बुशराकुम, इससे पहले निकाले युकालु लहुम, और उनसे कहा जाएगा खुशखबरी हो तुम सब के लिए, अलयौमा आज के दिन, जन्नातुन ऐसे बागात की, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, खालिदीन अफिया, और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, यही बड़ी कामयाबी। يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ, लिखे अंजाम मुनाफिकीन व मुतालब मुनाफिकीन, याद करो उस दिन को। यकूलो, जिस दिन कहेंगे मुनाफिक मर्द, वलमुनाफ़िकातु, और मुनाफिक औरतें, लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से, उन्ज़ुरूना, क्या कहेंगी, इंतज़ार करो, इसलिए कि ईमान वालों के पास तो एक नूर होगा ना, ये उनसे कहेंगे यार हमारा थोड़ा इंतज़ार कर लो। नक्तबिस मिन नूरिकुम,
ताकि हम भी कुछ हासिल कर लें तुम्हारे नूर में से। क्या कर लें? हासिल कर लें। क़ीला, तो उनसे कहा जाएगा इरजिउ वराअकुम, तुम लौट जाओ अपने पीछे की तरफ। वराअकुम के नीचे लिखे इब्तिदाए पुल सिरात, या तो पीछे से मुराद कौन सा इलाका है, पुल सिरात का इब्तिदाई हिस्सा, या इससे मुराद है दुनिया। क्या है मकसद? है कि तुम दुनिया चले जाओ, तो वो तो नहीं जा सकते, ये इशारा होगा इनकी नाकामी का। या इनसे कहा जाएगा तुम्हें रोशनी चाहिए, अच्छा वो तो पुल सिरात के शुरू में तकसीम हो रही थी ना, जाओ भाई वहाँ दोबारा लाइन में लग जाओ, वहाँ चले जाओ। फल तमीसु नूरा, वहाँ जाके नूर तलाश करो। फ़ज़ुरिब बैनहुम बिसूरिन, हाइल हो जाएगी इनके दरमियान एक दीवार, सूर दीवार, लहू बाबुन, जिसका दरवाज़ा होगा, बातिनुहु फीहि रहमा, उसके अंदर रहमत होगी, वज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहि अज़ाब, और उसके बाहर की तरफ क्या होगा, अज़ाब होगा। समझ गए? दरवाजे के अंदर जो है वहाँ रहमत है, और जो बाहर है वो क्या है, वो अज़ाब है। बात समझ गए? युनादूनहुम, सवाल मुनाफिकीन। अब मुनाफिकीन जब देखेंगे कि ओ हम तो महरूम हो गए, तो वो मुनाफिकीन पुकारेंगे हम किन को, ईमान वालों को, कहेंगे अलम नकुम माकुम, क्या तुम हम तुम्हारे साथ नहीं थे, हम तो तुम्हारे साथ ही हैं यार, हमें छोड़ के जा रहे हो। कालू बला, जवाब मोमिनीन, मोमिनीन कहेंगे क्यों नहीं, वलाकिन नकुम फतन तुम अनफुसकुम, लिख के असबाब रसवाई, लेकिन तुम लोगों ने अपने आप को फितनों में डाला, नीचे लिखे बिन निफाक़े, तुम थे तो हमारे साथी, लेकिन तुमने अपने आप को किस में डाला, फितनों में, निफाक के जवाब। तरबस तुम, लिखे नंबर दो, और तुम इंतज़ार करते थे, क्या करते थे, लिखे हवादिसात मोमिनीन का, मुनाफिक हमेशा इंतज़ार करता है कि मोमिन पर कोई हादिसा आ जाए, ये ऐसे महरूम लोग हैं। वर्तब तुम, नंबर तीन, तुम शक में पड़े रहे। वगरत कुमुल अमानी जो, नंबर चार, और तुम्हें उम्मीदों ने तुम्हें धोखे में डाल रखा। हत्ता जा अम्रुल्लाह, यहाँ तक कि आ पहुँचा अल्लाह का फ़ैसला। वगरकुम बिल्लाहिल गरूर, और तुम्हें अल्लाह की ज़ात से धोखे में रखा। अल गरूर, उस बड़े धोखेबाज ने, बड़ा धोखेबाज कौन है, शैतान। फलियोम ला युख़ज़ु मिनकुम फ़िदिया, आज के दिन तुमसे नहीं लिया जाएगा न कोई इवज़, वला मिनल लदीना कफरू, और न काफिरों से। ये तो दुनिया में कहते हैं ना, ये मुट्ठी गरम कर लें, क्या गरम कर लें, हाँ सलाम करो और मुट्ठी गरम करो, फिर सारे काम हो जाएंगे। आज न मुआवजा होगा तुमसे न काफिरों से। मअवाकुम अन्नार, तुम सबका ठिकाना आग है। ही मअवाकुम व बिसल मसीर, क्या ही बुरा ठिकाना है। अलम यअनिल लदीना आमनू, तंबीह है मोमिनीन, क्या नहीं आया वो वक्त ईमान वालों के लिए, ईमान वालों पे वो वक्त नहीं आया। अंतख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए। वमा नज़ल मिनल हक़, और उनके दिल झुक जाए उस हक़ के लिए जो अल्लाह ने उतारा है। हक़ के नीचे लिखे क़ुरान। वला यकूनू कल्लबीना, और ईमान वालों को नहीं बनना चाहिए उनकी तरह। ऊतुल किताब मिन क़ब्ल, जिन्हें इनसे पहले किताब दी गई। फ़ताल अलैहिमुल अमदु, फिर उन पर ज़माना तवील हुआ, लेकिन इसके बाद महजूफ निकाले लम यतूबु, अहले किताब को किताबें मिली, खूब ज़माना गुजरा, लेकिन लम यतूबु, उन्होंने तौबा नहीं की। फ़क़सत क़ुलूबुहुम, के दिल सख्त हो गए। कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून, उनमें से ज़्यादातर लोग काफिर हैं। اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها, लिखे इजाले शुबो, इजाले शुबो। अच्छा जी, अब शुबो ये होता था कि अगर कोई शख्स मौत के वक्त तौबा कर ले मरने से पहले, तो क्या उस वक्त की तौबा की कोई हैसियत होगी, आखिरी आखिरी वक्त के अंदर वो माफ़ी उसको मिल जाएगी। तो फरमाया जान लो
कि बेशक अल्लाह ही ज़मीन को ज़िंदा करता है बाद मौतिहा, उसके मरने के बाद। अल्लाह ही ज़मीन को ज़िंदा करता है उसके मरने के बाद। क्या इशारा किया? कि अगर आखिरी वक्त में भी बंदा यानि मौत से पहले भी तौबा कर ले तो अल्लाह माफ़ कर देगा। जैसे एक ज़मीन बंजर वीरान हो जाती है, लोग मायूस हो जाते हैं कि किसी काम की नहीं, लेकिन बारिश बरसती है फिर कारामद हो जाती है। قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ, हमने तुम्हारे लिए वाजह कर दी आयतें, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, ताकि तुम अकल से काम लो। مِنَ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ, लिखें तरगीब इन्फाक मुतअल्लिक बवजह सोम, मुतअल्लिक बवजह, बेशक सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, और जिन्होंने अल्लाह पाक को उम्दा कर्ज दिया यानि खर्च किया, يُضَاعَفُ لَهُمْ, उनके लिए दुगना किया जाएगा। नीचे लिखे बाएतबार मकदार के, बाएतबार मकदार, وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ, और उनके लिए बेहतरीन अजर होगा। नीचे लिखे बाएतबार कैफ, कैफियत के, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ, फजीलत ईमान कामिल, जो ईमान लाए अल्लाह और अल्लाह के रसूलों पे, उलाइका मुस्सिद्दीकूना, यही लोग सच्चे हैं, वश्शुहदाउ इंद रब्बिहिम, और ये लोग गवाह होंगे अपने रब के सामने, लहुम अजरुहुम, उनको उनका अजर भी मिलेगा, व नूरुहुम, उनका नूर भी मिलेगा, वल्लज़ीन कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुठलाया, उलाइका असहाबुल जहीम, ये लोग जहन्नमी हैं। इअलमू, लिखे वजह नंबर चार, जान लो कि बेशक दुनिया की ज़िंदगी लाइबुम व लहवन, खेल तमाशा है। इसके नीचे लिखे बचपना, बचपना, वज़ीनतुन, और ज़ेबो ज़ीनत है, लिखे जवानी, व तफ़ाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अमवाल वल औलाद, और आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र करना है, आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र करना है, व तकासुरुन, और कसरत जतलानी है माल में और औलाद में, माल में और औलाद में। लिख के बुढ़ापा, कमसले गईसिन, इसके नीचे लिख के तमसीले फना, फना की एक मिसाल, इंसान का ये जिस्म फानी है। फरमाया इस इंसान की मिसाल ऐसी है कमसले गईसिन, जैसे कि बारिश की मिसाल, बारिश की, आजबल कुफारा नबातुहु, कि किसान को अच्छा लगता है, नबातु हो उसकी खेती, बारिश बरसने से जो खेती पैदा होती है नबात, किसान को अच्छी लगती है, तो मैं यही जो, फिर वो खेती खुश्क हो जाती है, फतरा हो मुसफर्रा, तुम देखते हो उसको जर्द, सुम यकून हतामा, फिर वो हो जाती है चूरा चूरा, वफिल आखिरत अजाबन शदीद, कैफियत आखिरत, और आखिरत में सख्त अजाब है, और मग़फ़िरत है अल्लाह की तरफ से और रज़ामंदी है। वमल हयातु दुनिया, नहीं है दुनिया की ज़िंदगी, इल्ला मताउल गुरूर, मगर धोखे का सामान। साबिकु इला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम, तरगीब ईमान, दौड़ कर जाओ अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ, व जन्नतिन, और उस जन्नत की तरफ, अर्ज़ुहा, जिसकी वसअत इतनी है कि अर्ज़ समाई वल अर्ज़, जैसे आसमानों और ज़मीन की वसअत है। उद्दत للذين آمنوا بالله ورسله مستحقين جنت, जो तैयार की गई उन लोगों के लिए जो ईमान लाए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, ये अल्लाह का फ़जल है, वो जिसे चाहे दे दे। والله ذو الفضل العظيم, अल्लाह बड़ा फ़जल करने वाले हैं। ما أصاب من مصيبة, लिखे वजह नंबर पाँच, जो कोई तकलीफ़ भी आती है, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, वला फ़ी अनफुसिकुम, और जो तुम्हारी अपने ज़ात में जो तकलीफ़ भी आती है, इल्ला फ़ी किताबिन, मगर ये कि वो लिखी हुई है, मिन क़ब्ल अन नबरअहा, इससे भी पहले कि हमने इस नफ्स को पैदा किया था, इंसान की पैदाइश से पहले उसके ऊपर आने वाले हालात लिखे हुए हैं। इन नज़ालिका अलल्लाह यसीर, बेशक ये सब कुछ अल्लाह के लिए आसान है। लिकैला तअसऊ, इससे पहले महजूफ़ निकाले, अखबरना बिज़ालिका, हमने आपको ये बातें बता दी,
लिकैला तअसौ अला मा फातकुम हिकमत इत्तिला, ताकि तुम अफसोस न करो उन चीज़ों पर, मा फातकुम जो तुम्हारे हाथ से निकल गई, वला तफरहु बिमा आताकुम और तुम इतराने न लगो उन चीज़ों पर जो तुम्हें मिल गई। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह पसंद नहीं करते हर मुतकब्बिर शेखी बास को। अल्लदीन यबखलून मज़म्मत बुखल, जो लोग बुखल करते हैं, व यअमुरून अन्नास बिलबुखल और लोगों को भी बुखल की तरगीब देते हैं, वमन यतवल्ला और जो शख्स एराज करे, यतवल्ला के नीचे लिखे अनिल ईमान वल इन्फाक, जो ईमान और इन्फाक खर्च करने से एराज करे, फ़इन्नल्लाह हुवल गनीयुल हमीद, बेशक अल्लाह की ज़ात बेनियाज है, अलहमीदु तारीफ़ वाली। लक़द अरसलना रसूलना, लिखे तरगीब जिहाद, हमने भेजा अपने रसूलों को, बिलबैनात वाज़ह निशानियाँ देकर, वानज़लना माहुमुल किताबा और हमने उनके साथ उतारी किताबें, वल मीज़ान और तराजू, लियकूम अन्नासु बिलक़िस्त, ताकि वो लोगों के दरमियान इंसाफ का फ़ैसला क़ायम करें, वानज़लनल हदीदा और हमने उतारा लोहा, हमने उतारा लोहा, कहते लोहा भी आसमान से आया है, फ़ीह बसुन शदीदुन, जिसमें बड़ी हैबत है, हैबत इसलिए कि सारे हथियार आलात जिहाद लोहे से बनते हैं, जिसमें बड़ी हैबत है, व मुनाफ़िउ लिन्नास और लोगों के लिए बड़े मुनाफ़िउ है, वलियअलमल्लाह वाव के नीचे लिखे ज़ायदा, लियअलमल्लाह हिकमत इंज़ाल, लोहा क्यों उतारा अल्लाह ने, ताकि अल्लाह पाक जाहिर कर दें कि मैं यंसुरहु व रुसुलहु बिलग़ैब, कौन अल्लाह के और अल्लाह के रसूलों की मदद करता है बिलग़ैब, बिन देखे, बिन देखे मदद करता है, इन्नल्लाह क़वीयुन अज़ीज़, बेशक अल्लाह की ज़ात ताकतवर है और गालिब है। लक़द अरसलना नूहा, तफसील इजमाल, तहकीक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, वजअलना फ़ी ज़ुर्रियतिहिम अन्नुबुव्वत वल किताबा, और उनकी औलाद में हमने बाकी रखा नबूवत का सिलसिला भी और किताबें भी, फ़मिनहुम मुहतद, तो उन में से, हम के नीचे लिख के मुरसल इलैहिम, कौन मुरसल से मुराद जिनकी तरफ पैगंबर भेजे गए, यानी उम्मत मुराद है, कोई ये ना समझे कि अंबिया मुराद है, तो वो जो मुरसल इलैहिम थे, वो जो लोग थे, उनमें से एक तबका तो मुहतदिन हिदायत पाने वाला था, लेकिन वह कैफीर उम्मिन हम फासिकून, ज़्यादातर उनमें से क्या थे, नाफरमान। सुम्मा कफ़ैना अला आथारिहिम बिरुसुलिना, फिर हमने पे दर पे यानि मुसलसल उनके पीछे भेजा, बिरुसुलिना अपने रसूलों को, वक़फ़ैना बईसा इब्ने मरियम, और हमने भेजा ईसा इब्ने मरियम को, वआतैनाहुल इंजीला और हमने उनको इंजील दी, वजअलना फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना तबऊहु, लिखे मुत्तबईन ईसा अलैहिस्सलाम के औसाफ़, और हमने रख दिया उन लोगों के दिलों में, इत्तबऊहु, जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की इत्तबा की, यानि ईसाई नसारा, उनके दिलों में क्या रख दी, रअफतन, नरमी, लेकिन खुल्क़े खुदा से, वरहमा और रहमदिली आपस में, नरमी भी दी ईसाइयों को और आपस में रहमदिली भी, वरहबानियतन इब्तदऊहा, और वो रहबानियत जिसकी बुनियाद उन्होंने रखी, रहबानियत जानते, दुनिया से कट जाना, जाके जंगलों में बैठ गए, ऐशो इशरत, खाना पीना, शादी, इससे दुका के असल ये, तो अल्लाह ने फरमाए वो रहबानियत इब्तदऊहा, जिसकी बुनियाद इन नसारा ने खुद रखी, मा कतबना अलैहिम, हमने इनके ऊपर लाजिम नहीं की, इल्लब्तिगा रिज़वानिल्लाह, गर्ज़े ईजाद, मगर ये कि इन्होंने अल्लाह की रज़ा को तलाश करने के लिए किया। देखें बाज़ दफ़ा किसी काम का मकसद बुरा नहीं होता, वो अच्छा होता है, लेकिन शरीयत की सरपरस्ती नहीं होती तो आगे नुकसान हो जाता है। आज हमारे ये अहले बिदअत क्यों दिन ब दिन गिरते चले जा रहे, इनके बड़ों ने ये काम कोई गलत इरादे से तो नहीं किए, अच्छे उनवान और नीयत से शुरू हुए, लेकिन शरीयत उसके बैक पर नहीं थी, सर पे नहीं थी,
आज चलते 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 वो यहाँ तक आ गई। अब इनके बड़े कहते हैं खुदा के लिए ये डैग नहीं बजाओ, खुदा के लिए लोगों को तकलीफ़ मत दो, खुदा के लिए इश्क के नाम पर मेले ठेले नहीं लगाओ, खुदा के लिए मर्द औरतों को हम जलील बदनाम हो रहे हैं, नहीं करो। अब वो कहाँ उनके हाथ आ रहे, बुनियाद तो दे दी उन्होंने। तो अल्लाह ने फरमाया इन ईसाइयों के पादरियों ने जो रहबानियत शुरू की थी इब्तिगा रिजवानिल्लाह, इनका मकसद भी अल्लाह की रजा थी, लेकिन फमा रऊहा हक रियायत हा शिकवा, ये उसकी वो रियायत नहीं रख सके जो उसका हक था। फातैनल लबीना आमनू मिनहुम अजरहुम, लेकिन अंजाम मोमिनीन, फिर हमने दी उन लोगों को आमनू, आमनू के नीचे लिखे बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, जो ईमान लाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मिनहुम उनमें से, हम के नीचे लिखे मुत्तबईन ईसा अलैहिस्सलाम, तो जो ईसाई आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए हमने उनको दे दिया अजरहुम उनका अजर, लेकिन वकसीरुम मिनहुम फासिकून, उनमें से ज़्यादातर नाफरमान थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अहले किताब को तरगीब ईमान, ए ईमान वालों, आमनू के नीचे लिखे बईसा, जो ईमान लाए किन पर, ईसा अलैहिस, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, व आमिनू बिरसूलिही, और इस रसूल पर भी ईमान लाओ, रसूल ही के नीचे क्या लिखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नतीजा क्या होगा, युक्तिकुम किफ्लैन मिर रहमती, वादा नंबर एक, अल्लाह तुम्हें दुगना अजर देंगे मिर रहमती ही अपनी रहमत से, वयजअल लकुम नूरा, वादा नंबर दो, और अल्लाह तुम्हें एक नूर दे देंगे तमशून बिही जिसमें तुम चलोगे, वयग़फिर लकुम, वादा नंबर तीन, तुम्हें बख्श देंगे, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाले रहम करने वाले। लिअल्ला यालमा, लिअल्ला, ला के नीचे लिखे जायदा, ये ला जायदा है, और नीचे लिखे हिकमत एलान, ताकि जान ले, ताकि जान ले अहलुल किताब, वो अहले किताब, इसके नीचे लिखे जो ईमान न लाए, वो अहले किताब जान ले कि अल्ला यक़दिरून अला शैइ मिन फ़ज़लिल्लाह, वो अल्लाह के फजल में से किसी भी चीज़ पर कुदरत नहीं रखते, उनके पास कुदरत नहीं है कि वो ये फैसला करे कि किसको नबी बनाना है और किसको नहीं बनाना। वअन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह, फ़ज़ल तो अल्लाह के इख्तियार में है, युति मन यशा, वो जिसे चाहे दे दे, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़े फजल वाली है। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, अब क्या ख्याल है कल के बारे में, कल जुमा है ना, जुमे में आपकी कोई मसरूफियत तो नहीं, हाँ बाद जुमा अगर हम पढ़ लें 3 से 5, देखिए वक्त कम है और बीच में मसरूफियात भी, नई नई मसरूफियात दाखिल हो जाती है, तो या तो ये कि 10 रमज़ान तक सबक हो, या ये कि आप लोग कल की कुर्बानी दें, एक दिन आ जाएंगे ना इंशाल्लाह। हाँ ये तो नहीं होगा कि सिर्फ मैं होऊंगा और यासिर होगा, हाँ सब आएंगे, तो कल 3 से 5 तक इंशाल्लाह पढ़ेंगे जुमे के बाद। अलबत्ता मस्तूरात बनात में आवाज़ जा रही होगी तो वो तशरीफ़ न लाए, वो लाइव सुन लें, जो मस्जिद का पेज है उस पर सुन लें, और बाकी तलबा मस्जिद में लाजमी तशरीफ़ ले आएंगे कल। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों, वक्त पे फारिग भी हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम।